कि हम लाख बयां करते हैं वस्फ़े मोहम्मद, मिदहत तो वही है जो कुरान में रकम है, जिसके लिए आया है व रफ़ाना लका ज़िक्र, उस ज़ात की जितनी हो तौसीफ़ वो कम है। तो आइए गुलहाए अकीदत के बाद हम एक ऐसे मुकर्रर को आवाज़ दें कि जिनका तारुफ उनका कलाम होगा, जिनकी तारीफ उनकी तकरीर होगी और जिनकी सलाहियत उनका अंदाज़े गुफ्तगु होगा। इससे मेरी मुराद मेहमान मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब वेस्ट बंगाल, हज़रत से मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़ हसना से हमारे कुलूब को महजूज़ फरमाएँ। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. زمزم کا سر و تسلیم لکھ نہیں سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم لکھ نہیں سکتا، میں اگر سات سمندر نچوڑ دوں راحت آپ کے نام کی ایک میل لکھ نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا. حبیب پاک کسی کا خطاب کیا ہوگا، بلا جواب ہے ان کا جواب کیا ہوگا، مدار کار ہے حب رسول پر برنا، عمل ہزار ہو اچھے ثواب کیا ہوگا. بہت تھکا ہوا، حوصلہ ہارا ہوا، پیشانی سے ہارا ہوا مجمع میرے سامنے ہے، تھوڑا سا حوصلہ باقی ہے، دعا تک پہنچنا ہے. اور دعا کرتا ہوں آغاز میں کہ اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک دونوں ہاتھ سے ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کہ ہم لوگ سننے کے لیے تیار ہیں. دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. نبی کا نام آگے ہوگا، نبی کا کام پیچھے ہوگا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر، آپ کی بیداری کو ٹٹولنے کے لیے بیچ بیچ میں سوال آتا رہے گا، اس سے مجھے اندازہ ہوگا کہ میرے پیغام کی حفاظت ہو رہی ہے یا میرا پیغام ضائع ہو رہا ہے. تین سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں.
जिस दुनिया में हम आबाद हैं ये दुनिया बड़ी है या छोटी है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, जन्नत में जाने वाले तीन तरह के लोग होंगे, पहला और दूसरा तीसरा आदमी कौन होगा। तीसरा और आखिरी सवाल है, जब भी तकिया पर सर रहे तो ये ख्याल रहे कि अल्लाह ने हमारे ऊपर तीन एहसान किया है, बहुत बड़ा एहसान है, जिंदगी खत्म हो जाएगी वो एहसान अदा नहीं होगा, बस मानना ही काफी है। तीन एहसान वो क्या है, ये मेरा आखिरी सवाल है। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है, दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। तीन सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। जिस दुनिया में हम हैं ये दुनिया कितनी छोटी है आपको अंदाजा हो जाएगा। बुरुज के एतबार से 12,000 साल इसकी उम्र हो चुकी है, सैयारे के एतबार से इसकी 7,000 साल उम्र हो चुकी है, दिन के एतबार से 3,60,000 साल इसके गुजर चुके हैं। जो गुजर चुका हिस्सा वो ज्यादा था, जो बाकी है वो बहुत थोड़ा। दूसरी बात, इस दुनिया में मुल्क कितने हैं, 232 मुल्क में ये दुनिया खत्म हो जाती है। जबान कितनी बोली जाती, 3,064 जबान बोली जाती है। और इस दुनिया की जमीन कितनी है जिस पर हम बसते हैं, 13 करोड़ मुरब्बा मील है, इससे ज्यादा नहीं है, उसके बाद खत्म है। 500 साल की मसाफत में ये दुनिया खत्म है। जहां सूरज तुलू होता है वहां आदमी 500 साल की मसाफत में पहुंच सकता है, जहां सूरज गुरूब होगा वहां 500 साल की मसाफत में पहुंच सकता है। 300 हिस्से में दुनिया के पानी ही पानी है, 190 हिस्से में याजूज माजूज आबाद है, 10 हिस्से में बाकी इंसान आबाद है। इससे अंदाजा कीजिए हमारी तादाद कितनी छोटी है। दरिया के अंदर अल्लाह ने 600 मखलूक पैदा किया, दरिया से बाहर 400 मखलूक पैदा किया। दुनिया इतनी छोटी, अल्लाह के दरबार में जब सारी दुनिया के लोग जमा होंगे 120 सफ में जमा होंगे। अल्लाह का शुक्र है 80 सफ हमारे नबी की आखिरी उम्मत की होगी। तीन तरह के लोग जन्नत में जाने वाले, पहला आदमी जो जन्नत में जाएगा उसका हिसाब किताब ही नहीं होगा, बेहिसाब चला जाएगा, खुश नसीब, दुआ कीजिए अल्लाह उनमें हम सबको शामिल फरमाए। दूसरा आदमी जो जन्नत में जाएगा हल्का हिसाब होगा, मामला ठीक, अल्लाह इधर से माफ करेगा उधर से माफ करेगा, जन्नत में चला जाएगा। तीसरे आदमी की जब गाड़ी फंसेगी तो वो कैसे निकलेगा, उधर नबी की शफात होगी, इधर ये जन्नत में पहुंच जाएगा। तीसरा आदमी, तकिया पर जब भी आपका सर रहे तीन एहसान को खुदा को याद रखिए, खुदा के तीन एहसान को याद रखिए। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, अगर जानवर बंदर बना देता तो क्या बिगाड़ लाता। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, मुफ्त में इस्लाम की दौलत अता फरमाई, और आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया, ये कितना बड़ा एहसान है। इंशाल्लाह हाथ उठा करके वादा कीजिए कि इंशाल्लाह रबीउल अव्वल में जोश होगा हाथ उठाइए, उसके बाद न जोश होगा न होश होगा हाथ उठाइए। जब जुबान मुस्तफा ने हिलाई हिलाई, जब जुबान मुस्तफा ने हिलाई, लब पे अल्लाह की बात आई, बज़्म में कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी जात मंजर पे लाई गई। सैयदुल अव्वली सैयदुल आखरी, सैयदुल सैयदुल आखरी, तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं। हाथ तकिया है, हाथ तकिया है बिस्तर चटाई, और हिस्से में सारी खुदाई, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। ऐ अजल के हसी ऐ अबद के हसी, ऐ अजल के हसी ऐ अबद के हसी, तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं। जब कलम ने लिखी नात अहमद, रोशनी बन गई रोशनाई, कोई बतलाए कैसे सरापा लिखो, कौन है वो जिसे मैं तुझसा कहूँ। तौबा तौबा मेरी कोई तुझसा नहीं, तौबा तौबा मेरी कोई तुझसा नहीं, तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं। तुम जहां तक न पहुंचे फरिश्तों, है वहां तक हमारी रसाई।
खूबसूरत माहौल में आप लोग सुन रहे हैं। खाता खुल रहा है, खाता अच्छा होगा इंशाल्लाह, खात्मा भी अच्छा होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, आधा सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर, आप लोगों की बेदारी को मैं टटोल करके पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोग सुन रहे हैं, बेदारी के माहौल में हैं। अल्लाह आपको जजाए खैर दे। दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको माला माल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा पहला पैगाम। यही यूपी उत्तर प्रदेश है, यहाँ के 60 साल के बूढ़े बिहार पहुंचते हैं, 16 साल की लड़की से उनका निकाह हो जाता है। कितना खुश नसीब बूढ़ा है, कमाल है भाई। नमूना दिखिएगा, अरब का शेख आता है हैदराबाद, 16 साल की लड़की मिल जाती है, निकाह हो जाता है। आप जानते हैं क्यों ऐसा होता है? दरअसल वो बेटी समाज ने उसको बोझ बना दिया, निकाह को तिजारत बना दिया। डिमांड पर निकाह इतना महंगा हो चुका है कि एक बाप के लिए बेटी मुसीबत बन गई। वो सर से मुसीबत को हल्का करने के लिए बूढ़े से उसका निकाह करवा। इसमें बाप जिम्मेदार नहीं है, ये पूरा समाज को शुरुआत है। इससे भी हैरत की बात आपको रखने के लिए जा रहा हूं। पहले ये होता था कि गैर मुस्लिम लड़की को मुसलमान लड़का लेकर के भागता था, ये भी गलत है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। उसके बाद ये होने लगा कि मुसलमान लड़की को गैर मुस्लिम लड़का लेकर के भागने लगा, ये भी गलत है, उनकी तरफ से इसको कबूल नहीं किया जाता, मजम्मत की जाती है। अब ये होने लगा है जो आपको हैरत होगी और कलेजा मुंह को आ जाएगा। अब होने ये लगा है कि मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में भाग रही है। जानते हैं क्यों? तीन वजह से। पहली वजह यह है कि जब हमारी लड़की जवान होती है, किससे बात करती है, कहां से आती है, हमको इससे मतलब ही नहीं है, लड़की बिगड़ जाती है। दूसरी वजह, हम आंख बंद करके अपनी बच्ची का स्कूल में दाखिला करते हैं, ये भी नहीं देखते हैं कि यहां पर लड़के भी पढ़ते हैं। लड़का लड़की दोनों जमा हो गए, आग और पेट्रोल एक साथ, इश्क और मोहब्बत में भाग गए। तीसरी वजह, समाज ने निकाह को इतना महंगा कर दिया कि उस लड़की को समाज में लड़का फ्री में मिल ही नहीं रहा है, इसलिए गैर मुस्लिम के साथ वो लड़की भाग रही है। हमारे लिए भी मुसीबत, उनके लिए भी मुसीबत। नुकसान क्या है? उस लड़की का ईमान भी जा रहा है, आबरू भी जा रही है। तीसरी बात को याद रखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। 10 लाख लड़कियों को इसी हिंदुस्तान में मारा जाता है। आप कहेंगे कि देखा तो नहीं, मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जब पता चलता है कि पेट में बेटी है, उसको गिरा दिया जाता है। इस तरह से 10 लाख लड़कियों को हिंदुस्तान में मारा जा रहा है साल में। हिंदुस्तान ही वाहिद मुल्क है दुनिया का कि जिसमें लड़की कम है, लड़का ज्यादा। अब गौर कीजिए कि लड़की कम होती जाएगी तो दुल्हन को, दुल्हा को दुल्हन कहां से मिलेगी? ये हालात क्यों पैदा हुए जानते हैं? ऑपरेशन और नसबंदी का निशाना दिया गया है मेडिकल साइंस के डॉक्टरों को। जब दो बेटे हो गए, दो बेटी हो गए, तो वो डॉक्टर कहता है कि जल्दी से ऑपरेशन करा लो, जल्दी से नसबंदी करा लो। क्यों? अगला बच्चा भी नहीं, दो के बाद कभी नहीं, कम संतान सुखी किसान। इकदर आकदर, इकदर आकदर, एक दर्जन बेटा आ गए, न बाप घबरा रहा है न माँ घबरा रही है, कोई मसला नहीं, बेटे पर बेटा हो रहा है, कोई घबरा नहीं रहे। क्योंकि माल आएगा, नियत में फुतूर है, माल आएगा तो न बाप माँ घबरा रही है न बाप घबरा रहा है। जैसे ही दो बेटी के बाद तीसरी बेटी का नंबर आया तो माँ से ज्यादा बाप परेशान है, लगता है कि पिछले साल माँ ने पैदा किया, इस साल यही बाप पैदा करे। मामला क्या है मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं कि बेटी ज्यादा पैदा होगी, मालदार हो गरीब हो जाओगे, गरीब हो कभी मालदार नहीं बनोगे। कुर्बान जाइए, सीरत का जलसा है, पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा, मालदार बनना चाहते हो, दो आसान रास्ते हैं, कबूल कर लो मालदार बन जाओ। तजर्बे से ये बात साबित है। आप दिखाइए कोई आदि हज करके आया हो, गरीब हो गया हो, दिखाइए, आप साबित नहीं कर सकते। हाँ, ये तो होता है कि पहले लाखपति था, आप करोड़पति हो गया, ये तो होता है, लेकिन ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा जो हज में गया वहां से वापिस आया गरीब हो गया। इसी तरह से ऐसा भी बहुत कम होता है, कुंवारा था, जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, जैसे ही निकाह हुआ, बच्चे की किस्मत से, बीवी की किस्मत से माला माल हो गया,
दो रास्ते हैं मालदार बनने के, निकाह का रास्ता और हज का रास्ता। इंशाअल्लाह दोनों को कबूल करते हैं, हाथ उठाइए। सब काम पहले होगा, हज और निकाह बाद में होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। हम गरीब हैं या हम गनी हैं ये दिखाने के लिए जा रहा हूं। तेजी से सुनिएगा, डिस्क ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिएगा। सात खून वैसे भी आपका माफ है, उससे ज्यादा गलती कीजिएगा, सीधे जनाजा पढ़ करके जाइए। ध्यान से सुनिएगा, दिखाने के लिए जा रहा हूं कि ये जो गुटखा हमारे जवान खा रहे हैं और थूक रहे हैं, आपको अंदाजा है इसमें कितना पैसा थूका जा रहा है? सिंध के जवानों ने 12 अरब रुपया गुटखा में थूक दिया है। ये जो सिगरेट और हुक्का का बाना, दिल का धुआं निकालता है, निकाला जाता है, आपने गौर किया इस पर कितना पैसा हमारे जवानों ने फूका है? हमारे जवानों ने सिगरेट में 35 बिलियन डॉलर फूक दिया। शराब में कितना पैसा बहाया गया आपको अंदाजा है? 400 बिलियन डॉलर। अल्लाह ने हमें गरीब बनाया था, हम अपने चाल से गरीब हो गए। बाप से बेटा ने पूछा है, अब्बा हुजूर ये बताइए कि आपने अपनी शादी में कितना पैसा खर्च किया? तो बाप ने कहा, बेटा याद नहीं है, लेकिन कर्ज लेना पड़ा था और अभी तक कर्ज चुका रहा हूं, कर्ज अदा नहीं हुआ है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। शादी से ठीक एक रात पहले लड़का फोन करता है लड़की को कि तुम्हारे बाप की औकात है मुझको चार चक्का देने की? तो लड़की का जवाब सुनो। लड़की ने कहा कि मेरे बाप को हवाई जहाज देने की औकात है, तुम्हारे बाप को एयरपोर्ट बनाने की औकात है, तो बताओ। अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं? मेरे अल्लाह ईमां सलामत रहे, मेरे दिल में कोई और हसरत नहीं। अपने आमाल बद ते जिल्लत मिली। एक पैगाम खत्म हुआ, दूसरा पैगाम आ रहा है सीरत की रोशनी में। आप लोग दोनों हाथ से सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। आमदनी अठन्नी होगी, खर्चा रुपया होगा, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जिन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वही हाथ उठा रहा। खैर ध्यान दीजिएगा, आप लोग बेदार ज्यादा हो गए हैं, बेदार कम, जो कम बेदार है वो कम है, अल्लाह का शुक्र है। दीन दुनिया दोनों के भलाई से अल्लाह आपको माला माल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। हमारे नबी ने पूरी जिंदगी में कितनी जंग लड़ी है? 27। सिर्फ 27 जंग हमारे नबी ने लड़ी है। कितने लोग जख्मी हुए थे? 127। कितने लोग गिरफ्तार हुए थे? 6500। जिस दिन गिरफ्तार हुए थे उसी दिन रिहा हो गए। 127 आदमी जख्मी हुए और मारे गए दोनों तरफ से कितने लोग? 1018। अब मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं, हमारे नबी की जंग है, जख्मी कितने हैं? 127। आजाद हुए गिरफ्तार होने के बाद 6500, मारे गए दोनों तरफ से 1018। लेकिन पहली जंग अजीम हुई है, तोप से लड़ने वालों ने लड़ी है। कितने लोग मारे गए? 64 लाख। 1914 की जंग में 64 लाख लोग मारे गए। और 1937 की जंग में, दूसरी अजीम में, जंग अजीम में कितने लोग मारे गए? 3.5 करोड़ से 6.5 करोड़ लोग मारे गए। हमारे नबी की जंग होती है तलवार से, इतने कम लोग मारे गए। तोप से लड़ने वालों ने इतने सारे लोगों को खत्म कर दिया। क्यों? इसलिए कि हमारे नबी रहमत बन करके आए थे, माफ किया, एहसान किया, बदला नहीं लिया, इसलिए जीने वाले की तादाद ज्यादा हो गई, मरने वाले की तादाद कम। मुसलमानों को जो आज तरक्की नहीं है उसका राज आपको बताने के लिए जा रहा हूं। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुसलमानों को दुनिया की तरक्की इसलिए नहीं है कि आपसी झगड़ा,
दीन में तरक्की इसलिए नहीं है कि मुसलमानों ने कुरान को छोड़ दिया। दीन में भी तरक्की नहीं, दुनिया में भी तरक्की नहीं। दीन में तरक्की होती कुरान को पकड़ता, दुनिया में तरक्की होती आपसी इत्तेहाद होता, झगड़ा नहीं होता। इस झगड़े की वजह से, कुरान छोड़ने की वजह से मुसलमान दोनों जगह बर्बाद, दीन में अलग दुनिया में अलग। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, हिंदू समाज में तीन बिरादरी है जो तरक्की कर रही है, मड़वाड़ी, महता और गुज्जर। तीन बिरादरी को तरक्की है, बाकी किसी को तरक्की नहीं है। जानते हैं क्यों तरक्की कर रहे हैं वो लोग? मड़वाड़ी को तरक्की है, गुज्जर को तरक्की है, महता को तरक्की है। क्यों? दो वजह से। पहली वजह यह है कि उसमें जो नीचे गिरता है सब लोग मिलकर के उसको संभालते हैं। 100 मर्तबा अगर गिरेगा तो 100 मर्तबा संभालेंगे, और हमारी बिरादरी में अगर कोई ऊपर जा रहा है उसकी टांग खींच करके बराबर करेंगे कि बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी वजह कि महता में, गुज्जर में, मड़वाड़ी में अगर कोई झगड़ा होता है तो बैठ करके वही हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता। और हमारा मुकदमा मुसलमानों का डोरी एक्ट का 2011 की रिपोर्ट है, 33,000 एक एक जिले में। बताइए तरक्की किसको होगी? हम अपनी तरक्की को अपने हाथ से दफन करने वाले हैं, कसूर अपना है, इल्जाम हम दूसरे के ऊपर रखते हैं। तीसरी बात को याद रखिए जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। दो भाई का झगड़ा हुआ एक दरख्त को लेकर, इसने अपना वकील किया, उसने अपना वकील किया, मुकदमा हो गया, चला मुकदमा 17 साल 18 साल 20 साल 22 साल 25 साल चलता रहा। ये भी कंगाल हो गया, वो भी कंगाल हो गया। अब फैसला आया, फैसला अदालत से क्या आया कि दरख्त को काटो, आधा उसको दे दो, आधा इसको दे दो। अब उसकी जेब में पैसा नहीं दरख्त कटाने के लिए, और इसकी जेब में पैसा नहीं दरख्त कटाने के लिए। तीसरी और आखिरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मस्जिद में गया है नमाज पढ़ने के लिए, इमाम ने कहा वला जालिन, जोर से इधर से आमीन कहा, इधर से आहिस्ते से आमीन कहा, झगड़ा हो गया। सलाम के बाद इसने उसको घुसा मारा, उसने इसको घुसा मारा, इसकी तरफदारी में 10 खड़े हो गए, उसकी तरफदारी में 10 खड़े हो गए। अल्लाह के घर में दो तबका मुसलमानों का लहू लहान हो गया। अभी ये मुल्क आजाद नहीं हुआ, कांधला का किस्सा है, अंग्रेज हाकिम है, अंग्रेज की अदालत में दो मुसलमानों का झगड़ा आया। 15 मिनट तक उसको समझ में नहीं आया कि यह आमीन जमीन का नाम है कि मकान का नाम। जब वकीलों ने बहस किया तब उसको समझ में आया वो आमीन दुआ का नाम, दुआ पर झगड़ा हुआ। उसने कितना प्यारा जजमेंट लिखा, हमारी आंख से पट्टी हटाने के लिए काफी। उसने कहा कि आमीन की तीन किस्में हैं। एक किस्म आमीन की है जोर से आमीन कहना, यह भी हदीस से साबित है। एक किस्म आमीन की है आमीन बिसर आहिस्ता से आमीन कहना, यह भी हदीस से साबित है। और एक किस्म है आमीन की आमीन बिशर फितना उठाने के लिए आमीन कहना, यह हदीस से साबित नहीं है। यह हनफी भी गुनहगार है, यह सलफी भी गुनहगार है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा, अल्लाह कबूल फरमाए। मैं गारंटी लेकर के जाता हूं, आप झगड़े से निकल जाइए, एक दूसरे की मदद के लिए खड़े हो जाइए, अल्लाह आसमान की बुलंदी पर आपको पहुंचा देगा। मैं गारंटी लेकर के जाता हूं, ध्यान से सुनिएगा इसको। कुत्ता घोड़े से तारीफ कर रहा था, घोड़ा कुत्ते से अपनी तारीफ कर रहा था, यार मेरे अंदर क्या खूबी है, टाप मारता हूं मेरी टाप की धूल आसमान को चली जाती है। तो कुत्ता बोला कि ये कोई बड़ी बात नहीं, इससे बढ़कर के मेरे अंदर कमाल है, जब मैं दौड़ता हूं मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती है। छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा है, ठीक है मुकाबला हो जाए। दौड़ना है इस बस्ती से, जलसा की बस्ती से दौड़ना है गोंडा पहुंचना, गोंडा पहुंच करके जो बस्ती पहुंचेगा वो जीतेगा, जो पीछे रह गया वो हार जाएगा। तो बस्ती का घोड़ा दौड़ करके गोंडा पहुंचा, पलट करके देखा तो बस्ती का कुत्ता बस्ती ही में बैठा हुआ, जाने का नाम नहीं, जलसे का कुत्ता जलसे ही में बैठा होगा। तो पलट करके कहता है कि क्या छोटे मियां, दावे तो बड़े-बड़े करते हो, जब दौड़ने की बात आती है तो नबस ठार हो जाती है, पेशाब रुक जाता है। कहा यार मैं तुमसे परेशान नहीं, मैं तो अपनी कौम से परेशान, मैं तो तुमको 2 मिनट में पीछे कर दूंगा। बात यह है कि मैं जैसे ही जलसे का कुत्ता इस जलसे से दौड़ूंगा, बस्ती पहुंचूंगा, बस्ती का गोंडा पहुंचूंगा, गोंडा का कुत्ता रोक लेगा कि बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ। मनफावत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सब का नबी दी।
ने भी ईमान भी एक हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं मुसलमानों संभल जाओ मुसीबत आने वाली है तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में न समझोगे तो समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदोस्ता वालो तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में ये समाज हिंदू मुसलमान की यकजहती का समाज है उसके हवाले से पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह जब मुकदमा हार जाएंगे तब भाई को माफ करेंगे हाथ उठाइए इंशाल्लाह दो चार पांच आदमी पटरी तो छोड़ ही रहे एक तो हम हाफ पागल हैं कि 11 बज जाने के बाद बैठे आप फुल पागल हैं कि घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे दो पागलों का इस्तेमा हो रहा है अल्लाह कबूल फरमाए ध्यान से सुनिएगा तीसरा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ तेजी के साथ निकल जाएगा मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान आए सिंध को फतह किया जानते अपने खजाने में सरकारी 3% पैसा रखा किसके लिए आप सोचेंगे मस्जिद के लिए नहीं मंदिर के लिए रखा कि यहाँ के हिंदू समाज को इजाजत होगी वो नया मंदिर सरकार से पैसा लेकर के मोहम्मद बिन कासिम मुसलमान से पैसा लेकर के मंदिर बना सके जो पुराना मंदिर है उसकी मरम्मत कर सके दूसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं बाबर बादशाह ने अपने बेटे हुमायूं को नसीहत किया कि बेटा इस हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ जीते हैं जिस तरह तुम मोहब्बत की निगाह से मस्जिद को देखते हो नफरत की निगाह मत उठाना मंदिर के ऊपर अगर नफरत की निगाह उठाओगे तो तुमको हिंदू समाज से दोस्ती नहीं रहेगी दुश्मनी हो जाएगी तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं इस हिंदुस्तान का टाइगर था उसका नाम था टीपू सुल्तान दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे 156 मंदिर यहां के हिंदू समाज को टीपू सुल्तान ने दिया 156 मंदिर का मतलब यह है कि एक मंदिर को 100 एकड़ जायदाद दिया गौर कीजिए कि कितना बड़ा हिस्सा टीपू सुल्तान ने जागीर की सूरत में मंदिर की सूरत में हिंदू समाज को अता किया 156 मंदिर यहां के औरंगजेब के बारे में मशहूर है कि वो मंदिर तोड़ता था लेकिन उनसे पूछिए कि मंदिर तोड़ करके बनाता क्या था मंदिर ही बनाता था कमाल है भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट की रिपोर्ट है कि औरंगजेब बादशाह ने हिंदू समाज को जो मंदिर दिया उसमें एक मंदिर है महाकाली मंदिर उज्जैन में है दूसरा मंदिर है बालाजी मंदिर ये चित्रकोट में है इसी तरह कामख्या मंदिर गुवाहाटी में है इसी तरह जैन मंदिर गरनार में है देहरादून में गुरुद्वारा राम राय है सैकड़ों मंदिर देने वाला औरंगजेब है अब औरंगजेब ने अगर मंदिर तोड़ा तो मस्जिद को भी तोड़ा जानते हैं क्यों तोड़ा मंदिर में चोर ला करके चोरी करके दौलत छुपा देता था मुसलमान चोर मस्जिद में दौलत ला करके चोरी करके छुपा देता था तो औरंगजेब ने कहा यह मंदिर नहीं है ये डाकुओं की पनाह है न रहे बांस न बजेगी बांसुरी मंदिर भी तोड़ दिया मस्जिद भी तोड़ दिया एक मिसाल आपके सामने आ रही है ध्यान से सुनिएगा आप लोग अजमेर जाते हैं अजमेर की जो जामा मस्जिद है आज भी मौजूद है एक जमाने पुराने जमाने की मस्जिद है उसमें देखिए उस मस्जिद में नक्शा मंदिर का जैन मंदिर का नक्शा आप बोलेंगे मस्जिद के नक्शे से बननी चाहिए लेकिन हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद को इतना एहतराम की निगाह से देखता था कि मस्जिद बन रही है मंदिर के नक्शे से देहरादून जाइए वहां पर एक पुराना मंदिर है 1439 ईस्वी का मंदिर है 1439 ईस्वी का मंदिर है उस मंदिर में नक्शा मस्जिद का मंदिर बन रहा है मस्जिद के नक्शे से और मस्जिद बन रही है
मंदिर के नक्शे से, इससे बढ़कर के भाईचारा और क्या होगा। पांचवा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। मुरारजी भाई देसाई इस हिंदुस्तान के वजीर आजम थे। सोमनाथ में देखा कि एक मंदिर आबाद है, सोमनाथ में देखा कि बगल में मस्जिद वीरान है। मुसलमानों से हाथ जोड़ करके कहा, मैं अपनी जेब से तनख्वाह दूंगा, तुम एक मौजिन दे दो, एक इमाम दे दो। मैं नहीं चाहता हूं कि मंदिर आबाद रहे मस्जिद वीरान हो जाए, मैं चाहता हूं कि अल्लाह का घर मस्जिद आबाद रहे वीरान ना रहे। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है, दोनों हाथ से हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शिवाजी और औरंगजेब ने मुकाबला किया। शिवाजी नवाब थे, औरंगजेब बादशाह थे। औरंगजेब ने शिवाजी को घेर लिया चारों तरफ से। शिवाजी का राशन खत्म हो गया तो मां से कहा शिवाजी ने कि औरंगजेब ने मैं जो मेरे खून का प्यासा है मुझको घेर रखा है, राशन खत्म हो गया, क्या करें। तो मां ने कहा बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, औरंगजेब से मशवरा कर। मां वो मेरे खून का प्यासा है, जान का दुश्मन, मुझसे मशवरा करूं। कहा बेटा मैं तुम्हारा वो दुश्मन जरूर है लेकिन वो मुसलमान है, तुमको गलत मशवरा नहीं देंगे। शिवाजी खड़े हो गए झंडा लेकर। औरंगजेब ने पूछा बात क्या है। कहा राशन खत्म हो गया, अब क्या करें। कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, 10 साल के लिए जंग बंद कर लो, उसके बाद तैयारी करना, फिर मुकाबला। सादुल्ला जो औरंगजेब बादशाह के वजीर थे, कहा हुजूर वो तो 10 साल में मोटा हो जाएगा, आपको शिकस्त दे देगा। तो औरंगजेब ने कहा कि मेरे नबी ने 10 साल के लिए अपने दुश्मन से जंग बंद किया था, मैं अपने नबी की सुन्नत पर खड़ा हूं, मुझे यकीन है कि वो मुझे शिकस्त नहीं दे सकता। 10 साल के बाद जब शिवाजी ने मुकाबला किया औरंगजेब से तो शिवाजी गिरफ्तार हो। अब औरंगजेब ने कहा कि इनके साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो लोगों ने कहा हुजूर ये कट्टर दुश्मन है, इसको मार दिया जाए। औरंगजेब ने कहा नहीं, हमारे नबी ने कहा जो कौम का सरदार है उसकी इज्जत करो, इसलिए जान की माफी दे दी औरंगजेब बादशाह ने। इससे बढ़कर के भाईचारा और क्या होगा। इंशाअल्लाह उस खुशहाल हिंदुस्तान को हम अपनी दुआ से और दवा से वापस करेंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। तेरा इतिहास है खून में लथड़ा हुआ, तो अभी तक है दुनिया में पिछड़ा हुआ। तेरा इतिहास है खून में लथड़ा हुआ, तो अभी तक है दुनिया में पिछड़ा हुआ। तूने अपनों को अपना न जाना कभी, तूने इंसान को इंसान माना कभी। अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन, अपने ऐबों को मत ढांप मेरे वतन। ध्यान से सुनिएगा, भाईचारे के हवाले से दो तीन नमूने आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, उम्मीद है कि आप इसको कबूल करेंगे। दिल से दुआ देता हूं अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। आप देखेंगे मुसलमान के घर में जब कौवा बैठता है तो मुसलमान औरत कहती हैं कि पूरब तरफ से कौवा बोल रहा है, लगता है कि दामाद आ रहा है, मुर्गे में चूना लगाया। पश्चिम तरफ से अगर कौवा बोले तो मुसलमान औरत कहती है कि लगता है कि समधी आ रहा है। इंसाफ से बताइए कि 1000 कौवे बाजार में बोलते हैं, कितने दामाद आते हैं, कितने समधी आते हैं। अच्छा ये बात आई कहां से, ये राज आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इससे बढ़कर के भाईचारे की मिसाल और क्या होगा। गैर मुस्लिमों के घर की चीज है ये। हिंदी दोहे में एक बात मशहूर हुई है कि कौवा खबर लेकर के आता, वो गैर मुस्लिमों के घर की चीज थी, मुसलमान के घर आ गई। और इतना पुराना हिंदुस्तान, वो पुराना ख्याल इस्लाम के आने के बाद भी खत्म नहीं हो रहा है। इससे बढ़कर के और मिसाल क्या होगी। कागा आए मुडेर पर भेजे कौन संदेश, कागा आए मुडेर पर भेजे कौन संदेश, भैया के संग इस बरस, भैया के संग इस बरस, भाभी गई विदेश, भाभी गई विदेश। एक बात और याद रखिए, दिखाने के लिए जा रहा हूं। आप देखेंगे मोटरसाइकिल से बहुत रफ्तार के साथ आदमी जाता है, बीच में से कुत्ता पास करता है, कोई मसला नहीं। जैसे ही बिल्ली रास्ता काटती है, नबस ठार हो गई,
पेशाब रुक जाता, आगे नहीं बढ़ता। मोटरसाइकिल बंद करके 20 बार इधर थूक रहा, 20 बार इधर थूक रहा। जानते हैं क्यों? ख्याल ये बैठा है दिमाग में कि आगे खतरा होगा। याद रखिए, आगे खतरा होगा अपने गुनाह की वजह से। ये हिंदू समाज का भी ख्याल है, मुसलमान समाज का भी ख्याल है। देखिए दोनों एक बराबर, इस ख्याल में दोनों बराबर। दिखाने के लिए जा रहा, हिंदू समाज भी कहता है जो मुकद्दर का लिखा हुआ वो बिट नहीं सकता। आगे अगर खतरा होगा तो अपने गुनाह की वजह से होगा, आगे अगर वो खतरा टल जाएगा तो अपनी नेकी और सदके की वजह से टल जाएगा। घर की जली बन में गई, बन में लागी आग। घर की जली बन में गई, बन में लागी आग। बन बेचारा क्या करे, बन बेचारा क्या करे, जो है हमारे भाग, जो है हमारे भाग। एक बात और याद रखिए, तेजी के साथ जलसा निकल रहा है आपका, अल्लाह आपको जजाए खैर दे। मैं तो घबरा गया था कि आप लोग खापी करके बैठे हैं, पता नहीं साथ दे पाएंगे कि नहीं। आप हिंदुस्तान में होंगे या कब्रिस्तान में? अल्लाह का शुक्र है आप हिंदुस्तान में पिंडाल के नीचे जिंदा। ध्यान से सुनिएगा तीसरी बात, आप देखेंगे रात में अगर कुत्ता रोता है तो लोग कहते हैं कि किसी भी चौधरी का विकेट गिरने वाला है, किसी चौधरी का विकेट गिरेगा। जल्ले तू जलाल, तू इस बला को टाल। जो चौधरी फूटी कौड़ी गरीब को नहीं देता, अल्लाह करिए बला टल जाए जल्दी ही, धरती का बोझ है जल्दी से धरती से उड़ जाए। मामला वो नहीं है, मामला यह है कि कुत्ता जो बोलता है किसी चौधरी के विकेट गिरने के लिए नहीं बोलता, आसमान से उतरने वाली बला को वो देख लेता है। वो रोता इसलिए है कि गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है। अगर ये इंसान मारे जाएंगे तो उसके साथ ये कुत्ता भी मारा जाएगा। वो मासूम हमें खबरदार करता है। जैसे मैं बैठा हूं आपके सामने, एक चौधरी डिंग मार रहा था, एक पैसा भी किसी गरीब को वो देता नहीं, लेकिन तारीफ अपनी बहुत सुनना चाहता था। वो बोला अपने चमचा से कि देखो मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है। हुजूर इसमें पूछने की क्या बात है, आप सखावत करते हैं, सखावत करते करते आपके हथेली के बाल घिस गए। बहुत बड़ा चमचा था। उसने कहा कि अच्छा तुम बेवकूफ बना रहे हो, तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है। कहा हुजूर आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। अच्छा मैं इतना बड़ा उल्लू का पट्टा भैंस का अंडा हूँ, इतना बड़ा जो मजमा है जलसा सुन रहा है उन लोगों की हथेली में बाल नहीं। का हुजूर इसका भी जवाब है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, इन लोगों को कुछ नहीं मिलता, हमारे अफसोस के हाथ मलते मलते इन लोगों का घिस गया। आठ गांव के चौधरी, बारह गांव के राव। आठ गांव के चौधरी, बारह गांव के राव। अपने काम नाओ तो, अपने काम नाओ तो, ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। आखिरी दोहा सुना रहा हूं, इसलिए सुना रहा हूं कि मुसलमानों ने जबान के नाम पर नफरत नहीं की। अमीर खुसरू के बारे में दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। हिंदी शायर थे, मुसलमान हो करके हिंदी शायर थे। मुसलमानों ने जबान से मोहब्बत किया, नफरत नहीं किया। हिंदी भी मुसलमानों की जबान, अमीर खुसरू हिंदी शायर। उर्दू भी मुसलमान की जबान, क्यों? हिंदी उर्दू दोनों मुल्क की जबान। इससे बढ़कर के वफादारी क्या होगी कि बाहर से जो मुसलमान आए थे कौन सी जबान लेकर के आए थे? फारसी। और यहाँ के मुसलमान क्या जबान बोल रहे हैं आपको अंदाजा है? उर्दू बोल रहे हैं। तो क्या मतलब हुआ, बाहर की जबान को मुसलमानों ने छोड़ दिया, मुल्क हिंदुस्तान की जबान को मुसलमानों ने पकड़ लिया। ध्यान से इसको सुनिएगा। चार लड़की कुएं से पानी भर रही थी, अमीर खुसरू गुजर रहे थे। अमीर खुसरू ने कहा बेटी प्यास लगी है, पानी पिला दो। कहा कि आप शायर आदमी, आपको फ्री में पानी नहीं पिला। कहा क्या मतलब? कहा शेर सुनाइए तब आपको पानी पिलाते। तो आपने पूछा कि तुम्हारी फरमाइश क्या है? मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रक। दूसरी लड़की ने कहा कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रक। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिश्रक कर दीजिए। चौथी लड़की ने कहा कि मेरा बाप मुहर्रम में ढोल इस तरह बजाता है कि वो ढोल उसी साल फट जाए। मुहर्रम के ढोल के बारे में मिसरा कही। तो चार लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरू ने दो मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से,
चरखा दिया जलाए खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा ला पानी पिला। धर्म मेरा इस्लाम है भारत जन्म स्थान, वजू करूं अजमेर में, वजू करूं अजमेर में, काशी में अशनान, काशी में अशनान, मुसलमान हो जात का हो भारत की धोन, आंखें मेरी राम है, आंखें मेरी राम है, हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल, भाव स्वभाव की पाठ में अक्षर अनमोल, नबी मेरा इतिहास है, नबी मेरा इतिहास है, कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसे की ये गुलसितां हमारा, सारे जहां से अच्छा मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा। बड़ी खूबसूरती के साथ आपका जलसा निकल गया, आपकी पेशानी की चमक बता रही है कि आप बेदार हैं, मुकम्मल बेदार हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है, दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मोबाइल से फुर्सत मिलेगी तब मस्जिद आएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह, ध्यान से सुनिएगा। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठी हुई, अजान की सदा लगी मस्जिद से, अल्लाह के रसूल ने पूछा मन अंती तू कौन है, मैं आयशा हूं। कहा तू कौन आयशा है, कहा अबू बकर की बेटी, कहा कौन अबू बकर, कहा अबू कहाफा के बेटे, कौन अबू कहाफा के बेटे, डर के मारे मार कर। बाद में आकर के पूछा या रसूल अल्लाह मैं बीवी आपकी आयशा, आपने नहीं पहचाना, अबू बकर यारे हार आपने नहीं पहचाना, अबू कहाफा मेरे दादा आपने नहीं पहचाना। अल्लाह के रसूल का तारीखी जुमला देखिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया आयशा जब मस्जिद से सदा उठती है तो मैं सिर्फ खुदा को पहचानता हूँ, किसी को नहीं पहचानता। सहाबी सामने से गुजरे सलाम बोल करके, अल्लाह के रसूल ने जवाब नहीं दिया। सहाबी का पैर देर देर से उठ रहा है, मायूस होकर के जा रहा, अल्लाह के रसूल को अंदाजा हुआ, बुलाया, कहा कि देखो मैं तुमसे नाराज नहीं, बात यह थी कि तुमने मुझे सलाम किया, सलाम अल्लाह का नाम है, उस वक्त मेरा वजू नहीं था, मैं नहीं चाहता था कि अल्लाह का नाम मेरी जबान से अदा हो, मेरा वजू तक ना हो। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हजरत अबू बकर ने एक यहूदी को जोर से मुंह पर तमाचा मारा, वो यहूदी डायरेक्ट नबी की खिदमत में आ गया शिकायत, अल्लाह के रसूल ने तलब किया अबू बकर क्यों तुमने इस बेचारे को तमाचा मारा, कहा हुजूर ये बेचारा नहीं है, ये खुदा को गरीब बता रहा था और खुद को गनी बता रहा था, खुदा की बेअदबी की वजह से मैंने तमाचा मारा, अगर आपकी इजाजत होती तो मैं गर्दन उड़ा देता। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हजरत उमर की अदालत में चोर लाया गया है, चोरी में पकड़ा गया, कहा हाथ काट डालो, चोर गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, हुजूर पहली गलती है माफ कर दो। हजरत उमर ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा खुदा अपने बंदे को पहली गलती पर नहीं पकड़ता, जब बार बार गलती पर वो संभलता नहीं है तब पकड़ा जाता है, तू झूठ बोलता है, मेरा खुदा सच्चा है। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। आप लाल किला जाइए, वहां पर एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम है मोती मस्जिद, उसी मस्जिद में औरंगजेब बादशाह नमाज पढ़ते थे, इमाम नमाज पढ़ाता था। जब औरंगजेब आए नमाज पढ़ने के लिए तो वक्त हो चुका था, बोर्ड देख लिया, इमाम इंतजार कर रहा है, तो औरंगजेब ने कहा कि वक्त हो चुका है, आप इंतजार कर रहे हो, किसका इंतजार कर रहे थे? तो इमाम ने अदब से कहा कि हुजूर आपका इंतजार कर रहे हैं, कहा तुम निकल जाओ मेरी मस्जिद से,
मेरा इमाम वो है जो मेरे खुदा के लिए नमाज पढ़ाए, मेरा इमाम वो नहीं हो सकता जो बादशाह के लिए नमाज पढ़ाए। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हजरत यूसुफ से कहा जेलर ने कि मुझे आपसे मोहब्बत है। कहा मुझसे मोहब्बत मत करना, मेरी फूफी ने मुझसे मोहब्बत किया था, मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा। मेरे बाप ने मुझसे मोहब्बत किया था, मेरे भाइयों ने मुझे कुएं में डाला। जुलेखा ने मुझसे मोहब्बत किया, मैं आज जेल के अंदर सजा काट रहा। मोहब्बत करनी है तो खुदा से करो, वरना मुसीबत ही मुसीबत तुम्हें गले लग जाए। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे परवरदिगार जिंदगी तो ठीक है, ये मौत की मुसीबत क्यों मुसल्लत करती है? कहे मूसा तुम बंदे हो, तुम्हें पता नहीं ये मौत मैंने इसलिए रखी ताकि खुदा के बंदे की खुदा से मुलाकात हो जाए। कहे मेरे परवरदिगार ये तंदुरुस्ती तो ठीक है, ये बीमारी का अजाब क्यों मुसल्लत कर दिया? कहे मूसा तुम्हें समझ में नहीं आता, बीमारी मैंने इसलिए रखी है ताकि मेरा बंदा मुझे भूल न जाए। कहे मेरे परवरदिगार मालदारी तो समझ में आती है, ये गरीबी नहीं समझ में आती। कहे मूसा मैंने गरीबी इसलिए रखी है ताकि मेरी नेमत का मेरा बंदा शुक्र अदा करे। कहे मेरे परवरदिगार जन्नत समझ में आती है, जहन्नम समझ में नहीं आता। कहे मूसा जहन्नम अगर नहीं रखता तो मेरे अजाब से कौन डरता? मैं हकीम हूं, हिकमत से मैंने इस दुनिया को बनाया। इंशाल्लाह राहत में बाप दादा पुकारेंगे हाथ उठाइए इंशाल्लाह, मुसीबत में खुदा खुदा करेंगे हाथ उठाइए इंशाल्लाह। राहत में बाप दादा और मुसीबत में खुदा खुदा, तो खुदा सुनेगा नहीं सुनेगा, हर हाल में अपने खुदा को याद रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ओ सबसे अव्वल और आखिर जहां तहां हाजिर और नाज़िर, सबसे अनोखे सबसे निराले, आँख से ओझल दिल के उजाले, नाव जहाँ की खेपने वाले, दुख में तसल्ली देने वाले, सोच में दिल बहलाने वाले, विपता में याद आने वाले। जवानों के हवाले से पैगाम दे रहा हूं, आधा से ज्यादा आपका जलसा निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया है, हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है, इंशाल्लाह एक झटके में वो भी पास हो जाएगी। पेशाब पखाना रोक करके बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह, ये गलती मत कीजिएगा, लगे निकल जाइए। ध्यान से सुनिएगा, जवानों के हवाले से पैगाम आ रहा, बहुत खूबसूरती से बड़ी तेजी के साथ निकल जाएगा। एक जवान आया, ध्यान से सुनिएगा, डिस्क ब्रेक मार करके आपका जलसा बहुत बेदारी के साथ सुना जा रहा। दिल से दुआ निकलती है कि बस्ती में और गांव में मेहनत से काम दिन भर करने वाले रात को कुर्बान कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह आप पर मेहरबान हो जाए, दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको माला माल फरमा। ध्यान से सुनिएगा, जवानों के हवाले से सुना रहा। एक जवान आया अल्लाह के रसूल की मजलिस में शराब की बोतल लेकर के, कहा या रसूल अल्लाह ये तो हराम है लेकिन डॉक्टर ने बताया इसलिए पी रहा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो शराब है ये बीमारी है, बीमारी से बीमारी बढ़ेगी, इलाज नहीं होगा। जवान दारू की बोतल लेकर के पास हो रहा, हजरत उमर कमर में कोड़ा बांध करके आ रहे, देख लिया। अब इस जवान की धड़कन तेज हो गई कि आज तो जनाजा ही उठ जाएगा, इतने कोड़े पड़े। दिल ही दिल में अल्लाह से कहता मेरे परवरदिगार उमर ने देख लिया है, आज इतने कोड़े पड़ेंगे कि जनाजा उठ जाएगा, इज्जत आबरू तू ही बचा सकता। जवान की तौबा कबूल हो गई, हजरत उमर करीब आए, ओ जवान क्या है बोतल में? कहा हुजूर बोतल देख लीजिए शराब नहीं है। ढक्कन खोलो शराब नजर आ रही है। ढक्कन खोल करके हजरत उमर ने देखा उस जवान की तौबा कबूल हो चुकी थी, अल्लाह ने शराब को सिरका बना दिया। तीसरी मिसाल आखिरी मिसाल आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा, दारू की बोतल लेकर के मालिक बैठा हुआ है, नौकर से कह रहा चखना लेकर के आओ, मुर्गा लेकर के आओ, ताकि चखने के साथ पखना अंदर चला जाए। चार रुपए दिया है, गया है, इंतजार कर रहा है,
मस्जिद का चंदा हो रहा था, उसने सोचा जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। उसने चखने का पैसा चंदे में दे दिया, आ गया। अब मालिक ने पूछा रो नालायक कहां थे, जाम लेकर के कब से बैठा हुआ। कहा हुजूर चंदा हो रहा था, चंदे में पैसा दे दिया, चार दुआ करा ली। कहा समझदार था मालिक, समझदार था। उसने जाम को जमीन पर रखा, कहा क्या चार दुआ कराए। कहा पहली दुआ ये थी कि अल्लाह मुझे इसका बदला अता फरमाए। कहा तुम्हारी दुआ कबूल होगी, तुमने चार रुपए दिया, मैं 400 रुपए तुम्हें बदला दे। कहा दूसरी दुआ बताओ। कहा दूसरी दुआ ये कराई कि मुझे इस शराबी की गुलामी से अल्लाह नजात दे दे, आजादी दे दे। कहा चलो तुम्हारी ये दुआ भी कबूल हो गई, मालिक ने कहा कि मैं तुम्हें आजाद करता। तीसरी दुआ बताओ। कहा तीसरी दुआ ये कराई कि मेरे परवरदिगार मुझे भी तौबे की तौफीक दे दो और मेरे मालिक को भी दारू पीने से तौबे की तौफीक दे दो। कहा तुम्हारी ये दुआ भी कबूल हो गई, मैं आज तुम्हारे सामने दिल से तौबा करता हूँ अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ करके कि आज के बाद शराब की एक घूंट भी हमारे हलक के नीचे उतर नहीं सकती। चौथी दुआ के बारे में पूछा कि चौथी दुआ क्या थी। कहा हुजूर चौथी दुआ ये थी कि अल्लाह मेरी भी मग़फ़िरत फरमाए, मेरे मालिक की भी मग़फ़िरत फरमाए। वो कहता है कि अफसोस कि इसका इख्तियार मेरे हाथ में नहीं। जब वो रात में सोया अल्लाह की बशारत हुई, कहा मेरे बंदे जो तेरे बस में था वो तूने किया, मैं खुदा होकर के कादिर होकर के वो काम ना करूं जो मेरे बस में है, चलो मैंने उसकी भी मग़फ़िरत फरमाई तुम्हारी भी मग़फ़िरत फरमाई। ध्यान से सुनिएगा दूसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा। रात के सन्नाटे में जवान एक लड़की के पास आया तो लड़की को समझ में आ गया कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली मालूम हो रही है, इसकी नीयत ठीक नहीं। कहा किस लिए आए। कहा जिना के लिए आए। कहा जिना के लिए आए हो, जरा बाहर देखो कोई जाग तो नहीं रहा। एक बार गया देख करके आया सब सो रहे, दूसरी बार देख करके आया सब सो रहे, तीसरी बार देख करके आया कहा सब सो रहे। कहा कि खुदा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। कहा वो जाग रहा है। कहा अगर वो जागता तो मैं गुनाह नहीं कर सकती। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। जवान आया अल्लाह के रसूल की अदालत में, या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान होना चाहता हूँ, शौक से मुसलमान हो जाओ। लेकिन मेरी एक आदत है। कहा क्या आदत है। जिना करने की आदत है, वो इजाजत दे दो मैं कलमा पढ़ लूंगा। अल्लाह के रसूल हकीम थे, हिकमत से बात किया, अकलमंद से अकल से बात किया। कहा तुम पढ़ो शौक से कलमा, मैं तुमको इजाजत देता हूँ। जवान खुश हो गया, एक वक्त में दोनों काम होंगे, इस्लाम भी कबूल कर लूंगा जिना भी करता रहा। अल्लाह के रसूल ने मुबारकबादी देने के बाद कहा चार औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मौका लगा, वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। या रसूल अल्लाह आप इजाजत दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो, इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बसती है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ओ जवान, तुम्हारी माँ के साथ कोई अगर मुंह काला करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे, तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुंह काला करे उसका कीमा बना दोगे, तुम्हारी बहन और बीवी के साथ कोई मुंह काला करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे, लेकिन याद रखो तुम जिसके साथ मुंह काला कर रहे हो वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की जोरू है। दो मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आप सुनते हैं जर्मनी, जर्मनी में क्रिकेट नहीं खेला जाता, पूरी दुनिया में क्रिकेट खेला जा रहा है और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में क्रिकेट खेला जा रहा है। जिसको जाना भी नहीं है वो भी क्रिकेट खेलता है, अब तो विकलांग भी क्रिकेट खेलने लगे। पता नहीं ये कहां जाएंगे, ये कौन से शहंशाह बनेंगे, अल्लाह जाने क्या बुखार है, विकलांग भी क्रिकेट खेलने लगे। तो जर्मनी एक वाहिद मुल्क है जिसमें क्रिकेट नहीं खेला जाता। जानते हैं क्यों, ये राज आपको बता रहा हूं। जर्मनी का हिटलर आया क्रिकेट के मैदान में, टेस्ट मैच चल रहा था। कहा कि भाई क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा। कहा हुजूर 3 दिन हो गए, 3 दिन और बाकी है, उसके बाद नतीजा आएगा कि कौन जीत रहा कौन हार रहा। हिटलर ने कहा कमीने कहीं के इस खेल को बंद करो, 11 बंदर नाचते हैं बाकी सारे मदारी तमाशाई होते, 11 तो काम के हैं बाकी सब निकम्मे हो जाते हैं, आज के बाद हमारे इस मुल्क में कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा। क्रिकेट का बल्ला जिस लड़के के हाथ में आ जाए तजर्बा देख लीजिए, पढ़ करके नहीं देगा। ध्यान से सुनिएगा आखिरी बात, हारून रशीद का दरबार है, एक जवान आया सुई गाड़ करके धागे का निशाना ले रहा है, निशाना ले करके नाक से धागा पास कर, इधर से ताली बजी उधर से ताली बजी। हारून रशीद ने कहा कि 10 रुपया इनाम दो, 10 जूते मारो। अब लोगों के कान खड़े हुए कि जूते क्यों मारा जा रहा है,
तो कहा ये नालायक करतब के चक्कर में अपनी जिंदगी लायक को बर्बाद कर दिया, खुद भिखारी होकर के रह गया। अगर ये पढ़ने लिखने में अपने वक्त को लगाता कितना कीमती होता कि खुद भी संभलता पूरी कौम को संभाल देता। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाल्लाह दारू से, शराब से, जिना से और गाने बजाने से हमारा समाज पाक होगा। हाथ उठाइए इंशाल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा। आज गुनाह करेंगे कल फुर्सत से तौबा कर लेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। फिर यहाँ फंसे, सोच रहे थे कि मुकम्मल निकल जाए। जवानों को जरा परवाह नहीं बे एतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे से के ये नादान देखेंगे तेरी दीवानगी पर। तरस आता है मुझे अकबर, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। एक जौहर है फकत उसमें मुफी, खुदकुशी आसान कर देती है ये। दर्स था यक साम गए वो तो मसीही ही रहे, तुझ पे मजहब के वज शैतान का काबू हो गया। एक ही बोतल से पी होटल में दोनों ने शराब, एक ही बोतल से पी होटल में दोनों ने शराब। लुत्फ मस्ती उनको आया और तू उल्लू हो गया, लुत्फ मस्ती उनको आया और तू उल्लू हो गया। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है, मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। जलसा निकल गया औरतों के हवाले से आ रहा है, सुनने के लिए आप लोग मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। औरतों की लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर ध्यान से सुनिएगा, दाना पानी सब बंद हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। औरतों के हवाले से आखिरी मरहले में पैगाम जलसा आपका पहुंच चुका, उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से ज्यादा आपने जलसे को निकाल दिया, बिल्कुल थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया। औरतों के पैगाम के बाद जलसा खत्म हो जाए, दो पैगाम सिर्फ बाकी रह गए औरतों के, पांच पांच मिनट का पैगाम है, दस मिनट के बाद आपका जलसा खत्म हो जाएगा। अल्लाह इस जलसे को सलामत रखे, इसके असर को सलामत रखे, दीन दुनिया दोनों की शराफत और इज्जत से हम सबको अल्लाह मालामाल फरमाए। ध्यान से सुनिए, मैं आपको बयान सुना रहा हूँ, उस वक्त से कुरान सुना रहा हूँ, बयान सुना रहा हूँ, शेर व कलाम सुना रहा हूँ। आपको मजा आ रहा है कि मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा मजा कौन से काम में है? अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए। ध्यान से इसको सुनिएगा, सबसे ज्यादा मजा कौन से काम में आता है? 1965 से पहले मक्का मदीना इतना गरीब था, इतना गरीब था कि यहाँ के हाजी सत्तू और आम लेकर के जाते थे, जब छिलका फेंकते थे तो वहां के बच्चे उस पर टूट पड़ते, उसको धो करके खा लेते, इतनी गरीबी थी। हमारे मुल्क से भी ज्यादा गरीब मक्का और मदीना के लोग थे।
हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हाजी जाते थे, छिलका फेंक करके आम के रस को गार करके सत्तू खाया करते, उनके बच्चे उस पर टूट पड़ते थे। एक बच्चे का हाथ पकड़ा हिंदुस्तानी ने, कहा बेटा क्या मामला है? कहा कि इतनी गरीबी है कि हम लोगों को इस सिवाय इसके खाने को और कुछ नहीं। कहा बेटा तुम ऐसा करो, मेरे साथ रोजाना खाया करो खाना। हाजी खिलाते रहे, वो खाता रहा। जब एक दिन बाकी रह गया हिंदुस्तान वापिस होने के लिए, तो उस बच्चे से कहा बेटा चलो मेरे साथ हिंदुस्तान, वहां आम ही नहीं आम का बाग पूरा पूरा मिलेगा खाने को, दशहरी आम मलियाबाद का दशहरी आम तुमको खाने को मिलेगा। तो बच्चा एक सवाल करता है, चाचा जान ये बताइए आम खाने के लिए मैं हिंदुस्तान तो चला जाऊंगा, लेकिन ये काबा हिंदुस्तान में मुझको मिलेगा? मैं इस काबे को छोड़ करके हिंदुस्तान नहीं जा सकता। मैं आपको एक राज बता रहा हूं, दुनिया के हर काम में मजा आता है लेकिन सबसे ज्यादा मजा नहीं आता। आप नमाज पढ़ते हैं मजा किरकिरा जाता है, रोजा में तो मुकम्मल मजा मिलता ही नहीं, मजा ही किरकिरा जाता, खाने की इजाजत नहीं, पीने की इजाजत नहीं, मुकम्मल पाबंदी। बयान आप सुन रहे, थोड़ा मजा आएगा थोड़ा नहीं आएगा, सब काम में मजा आता है लेकिन ज्यादा मजा नहीं आता। एक काम है जिसमें सबसे ज्यादा मजा मिलता है, अल्लाह के घर पहुंच करके तवाफ में लग जाए, इससे ज्यादा मजा किसी में नहीं आता। जवान बेटा बूढ़ी माँ को पीठ पर लेकर के तवाफ कर रहा था, कहा मुबारक हो मुबारक हो। कौन है? कहा मेरी माँ। 7 साल से मैं अपनी पीठ पर लेकर के इनको हज करा रहा हूं और मेरा ख्याल ये है कि 7 साल के बाद दूध का हक अदा हो जाएगा। तो उस जवान उस चचा ने कहा कि बेटा तुम्हारी गलत फहमी है, 7 साल में हज कराने के बाद माँ के दूध का हक अदा हो जाएगा, ये तो बहुत दूर की बात है। तुम्हारी माँ गरीब थी, उसको एक ही बिस्तर था, ठंडी का जमाना था, तुम उस वक्त दूध पी रहे थे, दूध पीता बच्चा था। तुम्हारी माँ तुमको लेकर के सो रही थी, तुमने रात में पेशाब किया पखाना किया, तुम्हारी माँ ने उठ करके उस बिस्तर को धोया, तुमको धोया, उसके बाद उसके पास दूसरा बिस्तर नहीं था, वो कच्चे में सो गई, तुमको पेट पर लेकर के रात भर जागती रही, अभी तो उस एक रात का हक अदा नहीं हुआ है। दूध का हक अदा करने की बात तो बहुत दूर की है। एक बात याद रखिए, हमेशा शादी हो जाती है नए जोड़े की, पेट में जैसे ही बच्चे की आमद होती है क्या इंकलाब आता है, ये सुनकर के आपको हैरत होगी। शादी होने के बाद जैसे ही बच्चे माँ के पेट में आते हैं, अल्लाह पिछले गुनाह माँ के माफ फरमा देता है। अब बच्चा जूजू बढ़ता रहता है, उसका वेट बढ़ता रहता है, वजन बढ़ता रहता है। अब माँ को बैठने में तकलीफ है, लेटने में तकलीफ है, आह निकलती है, ऊह निकलती है, जानते हैं क्या इंकलाब आता? फरिश्ता नामे आमाल में तस्बीह का सवाब लिखता। जब बच्चे को पैदा करने का वक्त आता 9 महीने के बाद, तो माँ मौत के मुंह में चली जाती, कभी वापिस होती है कभी वापिस ही नहीं। इतनी बड़ी मुसीबत का सामना उस माँ को करना पड़ता, मौत के मुंह में चली जाती। अगर वो माँ मौत के मुंह में चली गई वापिस नहीं हुई, तो अल्लाह ताला कितना बड़ा अज्र देता है, शहादत का रुतबा उसे आता पड़ता। अगर वो माँ मौत के मुंह से वापिस आ गई तो उसको क्या मिलता है? अल्लाह अपनी जन्नत को उसके कदमों में डाल देता है। छोटा बच्चा माँ की गोद में है, माँ उसको अल्लाह बोलने के लिए कह रही है, वो तोतली जबान से अल्लाह बोल रहा है, माँ उसको बोल रही है रसूलुल्लाह बोलने के लिए, वो तोतली जबान से रसूलुल्लाह बोल रहा है, उस माँ को अज्र मिलता है, हर सांस के बदले सदके का सवाब मिलता है। जैसे ही वो बच्चा बड़ा हुआ, उस माँ ने उसको मकतब दिखाया, मकतब के बाद वो मदरसा पहुंचा, मदरसे में उस बच्चे की तालीम हुई, तालीम के नतीजे में वो हाफिज़े कुरान हो गया। जानते उस माँ का मकाम कितना बड़ा हो गया, उस बाप का मकाम कितना बड़ा हो गया? अल्लाह उस माँ बाप को सूरज से बढ़कर के सर का ताज अता फरमाता है। एक बात याद रखिए, अभी एक चप्पल यहाँ है, एक चप्पल वहां, ससुराल में है लड़की, मैके से आई है, एक चप्पल जो वहां थी पड़ी हुई उसको उठा करके वहां जोड़ा लगा दिया, वो चप्पल जो वहां पड़ी हुई थी उसको वहां से उठा करके यहाँ जोड़ा लगाया। अल्लाह एक नेकी अता फरमाता, एक गुना माफ कर देता है, एक दर्जा जन्नत में बुलंद कर देता। और आगे जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ उसको सुन करके आपको हैरत होगी। अभी बेटी मैके में है, मैके से ससुराल में है, अब वो मैके आना चाहती है माँ बाप से मुलाकात के लिए, उसको याद आ गई माँ बाप, तो अपने शौहर को फोन करती है कि मैं मैके आना चाहती हूँ, माँ बाप से मुलाकात करना चाहती हूँ, शौहर ने मुझे इजाजत दिया है। अब उसका कदम उठ रहा है शौहर की इजाजत के बाद,
तो अल्लाह हर कदम पर 100 गुना माफ फरमाता है, 100 दर्जे बुलंद फरमाता है, 100 नेकी में इजाफा फरमाता है। अब देखिए, बेटी वहां से चली है, कोंडा रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है, बेटी को यहाँ आना, बीमार बाप उठ करके बार बार देख रहा, दरवाजे को देख रहा है, बूढ़ी माँ उठ करके बार बार दरवाजे को देख रही है, बेटी आ रही कि नहीं आ रही है। जैसे ही बेटी आती है, बूढ़ा बाप अपने बुढ़ापे को भूल जाता है, बीमार माँ अपनी बीमारी को भूल जाती है, मोहब्बत की निगाह उस बेटी ने माँ बाप के ऊपर डाली, हर नजर पर अल्लाह एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। इंशाल्लाह माँ बाप को खर्चा बीवी से पूछ करके देंगे, बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा दीजिए। दो तीन मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, बिल्कुल जलसा आपका निकल चुका, अल्लाह आपको जजाए खैर दे। आप बेदार साहब, छोटे बच्चा माँ से तकरार कर रहा था, तो माँ ने कहा बेटा मैं अपना दूध तुमको माफ नहीं करूंगी। तो बेटा तन करके कहता, माँ तूने मुझे डब्बे का दूध पिलाया, कौन सा एहसान तेरा है। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिए। मैडम आई है, ससुराल आई है, कान में कुछ बात कह रही है, जन मुरीद को, जोरू के गुलाम को कान में कुछ कह रही है। देखिए मैं आपकी खातिर अपने माँ बाप को छोड़ करके आ रहा हूँ, कि आप मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? रातों रात अपने मकान से निकाला, किराए के मकान में डाल दिया। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान रखिएगा। बीवी बार बार गाली दे रही है, ये चुपचाप सुन रहा है, टस से बस नहीं हो रहा। बीवी गाली पर गाली, गोला पर गोला छोड़ रही, जब इसको बर्दाश्त नहीं हो सकी, बर्दाश्त से बाहर हो गई, तो ये क्या कहता, अफसोस के तू मेरी बीवी है, अगर तेरी जगह माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देता। आखिरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, दस्तरखान पर सालन आया, मजा नहीं आ रहा है, तो माँ को डांट रहा, बूढ़ी हो गई, तुमको सालन बनाने के लिए नहीं आता। तो माँ ने कहा बेटा मुझसे क्यों खफा हो रहा, तेरी बीवी ने बनाया। अब वाह माँ, इसी वजह से मैं सोच रहा कि जिंदगी में पहली बार ऐसा मजा आ रहा है। तो माँ ने कहा कि तू जन मुरीद है, जोरू का गुलाम है। मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो, मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। एक दिन नबी ने हलके असहाब में ये लफ्ज दोहराए, तीन बार के नाक उसकी कट गई। असहाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौकीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई और पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस ना सईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ले आला बोलो। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आ चल जो उठा कर के दुआ, माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उकबा, कहीं जिल्लत न मिलेगी। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत, तुम्हारे काम आएगी यही खिदमत, तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम ये खिदमत। अता होगी बफैज़े की बुरिया, रोजी में भी बरकत, अल्लाह की रहमत साया पगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। और तो
के हवाले से आखिरी पैगाम, तीन मिनट में निकल जाएगा। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है, दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत आखिरी मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। अल्लाह को जजाए खैर दे, किसान आदमी है, मेहनत मजदूरी करते हैं। अल्लाह आपकी सेहत में भी बरकत दे, रोजी में भी बरकत दे, आफत बला मुसीबत से अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। ध्यान सुनिएगा, आखिरी मुताला आपकी खिदमत में लेकर क्या, इधर माँ बैठी हुई है, इधर बाप बैठा हुआ, बीच में बच्चा। इत्तिफाक ये है कि माँ मुसलमान है, बेटा मुसलमान, शौहर बाप मुसलमान नहीं है, माँ मुसलमान है। माँ कह रही है उस बेटे से कि बेटा तू कलमा पढ़ ले। बाप कह रहा बेटा भूल से कलमा मत पढ़ना। वो बेटा कभी माँ को देख रहा, कभी बाप को देख रहा, कभी माँ को देख रहा, कभी बाप को देख रहा, माँ का जादू चल गया, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। ध्यान से सुनिएगा, सुल्तान हमीद नाम का एक बादशाह गुजरा है। वो करता क्या था, खा पी करके बाग में बिस्तर बिछा करके फूल के बिस्तर पर सोता था। जो लड़की, जो नौकरानी उसके बिस्तर को लगाती थी, फूल का बिस्तर लगाती थी, उस लड़की का नाम था जीनत। जीनत नाम की लड़की है, लेकिन कितनी दीनदारी उसके पास है। अल्लाह करे सबको ऐसी होनहार बेटी अल्लाह अता फरमाए। बादशाह का दोपहर में खाना खाना हुआ, लेटने के लिए आने में अभी देर थी। लड़की को एहसास हुआ कि फूल के बिस्तर पर सोने का मजा कैसा होता, अभी बादशाह को आने में देर है, सो करके देखना चला। थकी मांदी थी, जैसे ही सोई फूल के बिस्तर पर आंख लगी, बादशाह जो आए तो देखा कि अच्छा ये नौकरानी मेरे बिस्तर पर। बेअदबी गुस्ताखी की वजह से कोड़ा निकाला, बरसाना शुरू किया। लड़की हंसती भी है, लड़की रोती भी है। अब बादशाह के कान खड़े हुए, इसका रोना तो समझ में आता है कि पिटाई लगी, बेअदबी किया था, मेरे बिस्तर पर सो रही थी, लेकिन ये हंसती क्यों? तो बादशाह ने उससे फहरिस्त से पूछा, ओ लड़की बदबख्त, बदतमीज, हंसती क्यों? कहा हुजूर, हंसने की वजह यह है कि थोड़ी देर में आपके बिस्तर पर सोई, आपने मुझे कोड़ा बरसा दिया। आपने तो बचपन से पचपन इस बिस्तर पर कर दिया, खुदा से मतलब नहीं, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारेगा, इस ख्याल से हंसी। बादशाह के दिल पर उस जुमले का इतना गहरा असर हुआ कि वो बादशाह जो दुनियादार था, अल्लाह का वली बन गया। ध्यान से सुनिएगा आखिरी नमूना, बेटी की उंगली में दर्द है, बाप की नींद आंख से उड़ गई। तो बेटी ने पूछा, अब्बा हुजूर तकलीफ मुझको है, नींद आपकी हराम हो गई, कि तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, तू मेरी लखते जिगर है, जिगर का टुकड़ा है, तुमको तकलीफ हो मुझे नींद, ऐसा कैसे हो सकता? तो उस लड़की ने कहा, अब्बा हुजूर आप गलती पर हो, इस दिल में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए, गैर अल्लाह की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। इस जुमले का असर इतना गहरा हुआ, जो बाप डाकू था वो डाके से तौबा कर लेता। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो मेरा मुताला है, जो मैं आपकी खिदमत में लाना चाहता हूं, जो पैगाम देना चाहता हूं, वो ये है कि बहन कितनी बड़ी हस्ती है, इसका अंदाजा इसके बाद आपको हो जाएगा। हम बहन को शादी के बाद नजरअंदाज कर देते, बाप की मीरास से भी उसको हिस्सा नहीं देते हैं, लेकिन उस बहन का कितना बड़ा किरदार है इस्लाम में, ये दिखाने के लिए जा रहा हूं। इंशाअल्लाह आज के बाद हम अपनी बहन को नजरअंदाज नहीं करेंगे। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठाइए, घबराने की कोई बात नहीं, मुकम्मल घबरा चुके हैं आप। ध्यान से सुनिए, हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार में एक औरत रोती हुई आई, उसने कहा, तुमने मेरे तीन आदमी को गिरफ्तार किया, मेरा बेटा है, मेरा शौहर है, मेरा भाई है, तीनों को छोड़ दो। हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा कट्टर था, उसने कहा कि मैं एक को छोड़ सकता हूँ तुम्हारी खातिर, दो को फांसी पर चढ़ा करके रहूंगा, मेरा ये अटल फैसला है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। अब उस औरत का कितना सख्त इम्तिहान होगा सोचिए, एक तरफ बेटा गिरफ्तार है, एक तरफ शौहर गिरफ्तार है, एक तरफ भाई गिरफ्तार है, किसको मौत के हवाले करे, किसको नजात दे। उस औरत ने 5 मिनट में फैसला लिया और सर उठा करके कहा कि मेरे भाई को छोड़ दो, बेटे को फांसी हो गई, शौहर को फांसी हो गई। अब हज्जाज बिन यूसुफ को हैरत हुई कि इस औरत ने भाई को बचाया, बेटे को नहीं बचाया, शौहर को नहीं बचाया। उस औरत का जवाब सुनिए, उस औरत ने कहा कि मैं जवान हूं, मेरी शादी हो जाएगी, मुझको शौहर मिल जाएगा, खुदा मेहरबान हुआ तो मुझको बेटा भी अता हो जाएगा, लेकिन माँ बाप मर चुके हैं, भाई नहीं आएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह अपने अपनी बहन पर करम करेंगे, सितम नहीं करेंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही जमाना
अब आ रहा है, जमी भी तेवर बदल रही है, पलक भी आंखें दिखा रहा है, भाई का भाई रहेगा रहसन, हकीकी बेटी है माँ की दुश्मन, पेसर ने छोड़ा पेदर का दामन, बहन को भाई सता रहा है, खबर हदीसों में जिसकी आई, वही जमाना अब आ रहा है। जलसा निकल गया, तीन वादा आप दीजिए, आपके घर में मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ आफत नहीं आई। तीन वजह से आफत आती है, गुनाह करेंगे आफत आए, हराम कमाएंगे आफत आए, गलत माहौल में रहेंगे आफत आए। आप तीनों से तौबा करके दिखाइए, मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ आपके घर में कभी आफत नहीं आई। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। और तीन काम पर खड़े हो जाइए, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता, पूरे कुरान पर अमल हो जाएगा, इज्जत की चोटी पर अल्लाह पहुंचा देगा। अल्लाह की इबादत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे। न किताबों से, नवाज़ों से, नजर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم انصرنا على عدوك وعدوهم، اللهم اعني الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. يا الله ہمارے بوڑھوں کو قبول فرما، ہمارے بوڑھوں کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کی صحت میں عمر میں برکت عطا فرما، ان کا سایہ تا دیر قائم فرما، جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمارے بوڑھوں کو نجات عطا فرما، موت سے پہلے پہلے کلمہ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. اے ہمارے پروردگار، ہمارے جوانوں کو قبول فرما، جائز روزگار عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، خدمت کے لیے قبول فرما، اطاعت اور عبادت کے لیے قبول فرما، دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت عطا فرما، دین کا حافظ دین کا محافظ بنا، دین کا داعی دین کا شہدائی بنا. اے ہمارے پروردگار، ہمارے جوانوں کو عزت کی چوٹی پر پہنچا دے. چھوٹے بچے، ملت کے بچے، اے اللہ بڑی تعداد میں ہیں، ان کو علم اور ہنر سے محروم نہ فرما، ان کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے دل کی مراد پوری فرما. پردہ نشی ہماری ماں اور بہنیں ہیں، اے ہمارے پروردگار ان کے ایمان کی، ان کی آبرو کی حفاظت فرما. اے ہمارے پروردگار ان کے ایمان کی، آبرو کی حفاظت فرما، جنت جانے والی، جنت لے جانے والی بنا. اے ہمارے پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جن گھروں میں لڑکیاں بے نکاحی ہیں غیب سے مناسب جوڑے کا جلد از جلد انتظام فرما. جن جوانوں نے اس جلسے کو سجایا منایا، اے اللہ ان جوانوں کو قبول فرما، ان کو سیرت اور صورت کا غازی اور نمازی بنا. اے ہمارے پروردگار ہمارے جوانوں کو قبول فرما، ان کو سیرت اور صورت کا مالک بنا، ظاہر اور باطن کا ایک اور نیک بنا، حال کو خوشحال فرما، مستقبل کو روشن فرما، دین کی حفاظت فرما، جان کی حفاظت فرما، عقل کی حفاظت فرما، نسل کی حفاظت فرما، ملک و مال مذہب کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہ کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے ہمارے پروردگار اس ملک کو خوشحال فرما، اس ملک کو ترقی سے مالا مال فرما، آپسی اختلاف سے، آپسی انتشار سے اس کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کے پرانے دن کو واپس فرما، اس کو خوشحال فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے زیادہ عطا فرما. اللہم ارحمنا وارحمہم فإنک خیر الراحمین.
اللهم انصرنا وانصرهم فإنك خير الناصرين اللهم ارزقنا وارزقهم فإنك خير الرازقين اللهم افتح لنا وافتح لهم فإنك خير الفاتحين اللهم اصلح لنا واصلح لهم فإنك خير المصلحين اللهم اعزنا واعزهم فإنك خير المعزين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.